हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन पेपर कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती है और ऑनलाइन पेपर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जब सेंटर पर पहुँचते हो तो आप सभी का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह चेक किया जाता है। तो जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा रहता है क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती है, वही चीज़ें लेकर जाना है जो एडमिट कार्ड में लिखा है। फिर जब वहाँ पर सारा चेकिंग हो जाता है, आपका बैग भी जमा कर दिया जाता है, फ़ोन वगैरह है तो वो जमा कर सकते हो। 10 रुपये लेंगे, 15 रुपये लेते हैं, कहीं पैसे नहीं लेते हैं तो वो जमा हो जाएगा। फिर जब आप अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई देंगे, तो वहाँ पर बताया जाता है कि आपको यहाँ पर बैठना है। फिर वहाँ पर आप बैठोगे तो सेम ऐसा आपको एक डेस्क बोर्ड खुला मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा हॉल टिकट नंबर, ईमेल आईडी, जैसे यहाँ पर लिखा गया है वो आपके एडमिट कार्ड में रहता है। वहाँ से देख के आपको भरना होगा, कीबोर्ड से भरना रहता है, आप कीबोर्ड से भरो। अगर नहीं भर पा रहे हो तो आप अपने बगल में कोई होगा तो उनसे पूछकर भर सकते हो। तो वो भरना होगा, भरने के बाद आपको बैठना है, कुछ करना नहीं है, जब कहा जाए तभी लॉगिन करना है। अदरवाइज लॉगिन करते हो तो आपको उल्टा सुल्टा सुना भी सकते हैं, तो लॉगिन नहीं करना है जब तक ना कहा जाए। तो ये सब करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपका नेम शो करता रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है अमित लिखा है, तो वहाँ पर आपका नेम शो करता रहेगा, उसको मैच करना है। और यहाँ पर आपका फ़ोटो शो करता रहेगा, उसको मैच करो। अगर कुछ गड़बड़ हो तो अपने बगल में जो रहते हैं स्टाफ उनसे बात कर सकते हो, उनको बताइए कि हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, आपको बताएंगे ये गड़बड़ हुआ होगा तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैच करना है। फिर ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको पढ़िए अच्छी तरह, इसको पढ़ने के लिए 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, तो इसको अच्छी तरह पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है मैंने उपयुक्त अनुदेश को पढ़ा और समझा और उनका अनुपालन करूँगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एस कर देना है। एस करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करना है, ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेम शो करता रहेगा, यहाँ पर फ़ोटो, ये जो सेक्शन आईडी दिया गया है इसको आपको रफ पेज में नोट कर लेना है। वो रफ पेज देंगे उसमें आपको नोट करना होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है रिमाइंडिंग टाइम, ये टाइम जितने टाइम का एग्ज़ाम रहेगा, जैसे 60 मिनट का एग्ज़ाम है तो वो टाइम घटता रहेगा, 60, 59, 58 ऐसा घटता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर आपका सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन दिखाई देते रहेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पर आंसर लगा दिया, ए किया, इसका बी किया और आगे सी कर दिया, डी कर दिया, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि आंसर जितने मैंने टिक किए वो चेक हो गए, मतलब मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। तो यहाँ पर दिखाई देगा हरे में कि मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, अभी अनअटैम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं, 21 क्वेश्चन अभी मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। तो ये चीज़ें रहता है। जैसे अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अब मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर सही नहीं है, तो यहाँ से आप माउस से क्लिक करके ये कर सकते हो। जैसे मैंने किया, ये हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है, आप डायरेक्ट ऐसे ये कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है मार्क रिव्यू, यहाँ पर देखो मार्क फॉर रिव्यू, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप यहाँ पर मार्क लगा सकते हो कि अभी मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, बाद में मैं इसको देखूँगा, तो इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पर आप मार्क व्यू लगाओगे तो यहाँ पर आपका शो करता रहेगा कि मैंने एक क्वेश्चन अभी मार्क फॉर व्यू रिव्यू के लिए लगाया है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो ऑनलाइन पेपर, तो ऐसे प्रोसेस रहता है, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, माउस से ही काम करना पड़ता है सारा कुछ, तो माउस को आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए कि एक बार में क्लिक करो, क्लिक हो जाए, एक बार में जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच जाओ, नहीं तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दोगे। तो यही प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर देना। जय हिंद।